नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। यह हमारी पूर्व की श्रृंखला जो चल रही थी अभी तक, जीएस के लिए हमने चलाया था, करेंट अफेयर के लिए कुछ चलाया था, वो स्मार्ट ग्रामीण के नाम से हमने चलाया था, उसी का एक संभाग है। और इसमें हम देखेंगे आईएएस पीसीएस और अन्य परीक्षाओं में जो हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्यतया विद्यार्थी उन प्रश्नों का गलत उत्तर देने की वजह से अंतिम परिणाम में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से वे जीएस की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं या कुछ परीक्षाओं में, जैसे आप ले सकते हैं यूपी का जो अधीनस्थ लोक सेवा आयोग का रहता है, परीक्षा लोअर वगैरह के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे हिंदी बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करती है। उसके अलावा भी कई सारी परीक्षाओं में आप देख सकते हो हिंदी के प्रश्न बहुत अच्छे मात्रा में आते हैं, और अगर उनको आप 100% कर लेते हैं सही, तो निसंदेह आप अंतिम परिणाम में अपनी जगह सुनिश्चित कर पाते हैं। हमने भाषा श्रृंगार इस श्रृंखला का नाम रखा है। इसमें हम आईएएस पीसीएस के अलावा अन्य किसी भी परीक्षा के लिए जहां तक हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी यहां पे हम आपको शुद्ध और तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से सामग्री मौजूद कराने का, सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखने में आता है कि सामान्यतः होता क्या है, हिंदी भाषा भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे तो हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित कोई गलतियाँ होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन यह अब एक सामान्य प्रश्न बन चुका है, सामान्य समस्या बन चुकी है कि इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के भी हिंदी में बहुत सारी अशुद्धियाँ देखने को आ रही हैं। और आईएएस में या पीसीएस में, सामान्यतया आईएएस की ही बात करें तो माध्यम की बात करते हैं, तो आईएएस के परीक्षा में देखने में आ रहा है कि जो ये हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, इनका निरंतर प्रदर्शन गिरता चला जा रहा है, निरंतर गिरावट देखी जा रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, मैंने भी जो इस बात पे काफ़ी अध्ययन किया और कुछ बहुत सारे लोगों से बात करने के दौरान जो निराकरण निकला है, लगभग देखने में आ रहा है कि हमारा जो भाषा पर पकड़ है वो सबसे बड़ा इसका कारण है। होता क्या है कि हम माध्यम तो हिंदी चुनते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम चुनने के बावजूद जब हम परीक्षा देते हैं तो उसमें इतनी अशुद्धियाँ होती हैं, भाषागत अशुद्धियाँ, और जब हमारी स्पीड बनाने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है मुख्य परीक्षा में, तो वहाँ भी हमसे अशुद्धियाँ बहुत सामान्य बात हो जाती हैं कि एक एक पैराग्राफ में दो दो चार चार गलतियाँ, दस दस गलतियाँ सामान्यतया दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से भी परीक्षा परिणाम में निरंतर निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदी भाषा के छात्र। उसके अलावा अगर आप में से इंग्लिश माध्यम या अंग्रेजी माध्यम के भी कोई विद्यार्थी हैं या हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग किसी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, तो भी अगर आपकी हिंदी में रुचि है तो यह निस्संदेह आपके लिए बड़ा ही सहयोगी सिद्ध होगा। यहाँ हम बहुत विशद चर्चा करेंगे इस पर, और इसमें हिंदी के एक एक पक्ष को जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं कि फेसबुक प्रोफाइल है हमारी आर्यव्रत पांडे के नाम से, आर्यव्रत पांडे के नाम से, ARYAVRATPANDEY इस नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। वहाँ पे मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए समय समय पर कुछ सुझाव देता रहता हूँ, और अगर कोई प्रश्न कोई पूछता है तो उसका समाधान भी करता रहता हूँ। इस भाषा श्रृंगार से संबंधित कुछ एक्सरसाइज मैं वहाँ भी देता रहूँगा। यहाँ पे हम आपको मूलतः सैद्धांतिक रूप से बातों को बताते चलेंगे, पारिभाषिक रूप से बातों को बताते चलेंगे, व्याख्या करते चलेंगे। उसके अलावा कुछ जो अभ्यास से संबंधित प्रश्न होंगे या अभ्यास से संबंधित जो बातें होंगी, हम आपको वहाँ पर भी शेयर करते रहेंगे। उसके अलावा वहाँ पर हमने स्मार्ट ग्रामीण के नाम से फेसबुक प्रोफाइल पेज भी बनाया हुआ है, जिसपे अगर आप आते हो तो मैं ऐड करूँगा, वहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज तो ऐड करूँगा, उसके बाद आप उसका लाभ ले सकते हैं। वहां पर आप अपनी समस्याओं को भी मुझसे साझा कर सकते हैं, जिसका यथोचित समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए, आज इस भाषा श्रृंगार की पहली श्रृंखला की पहली वीडियो में हम बढ़ते हैं और हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम से बढ़ते हुए संवैधानिक उपलब्धियों, संवैधानिक प्रावधान तक सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इस भाषा के गहराई में उतरते चलेंगे और इससे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण पक्षों की चर्चा करेंगे। तो पहला क्या देखते हैं कि हम भाषा, अक्सर हम बात करते आ रहे हैं भाषा भाषा, तो देखते हैं आखिर भाषा है क्या। तो जब हम भाषा की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि की एक परिभाषा, उसको देना यहाँ बहुत आवश्यक था, व्यक्तावाची वर्णा
एष त इमे व्यक्त वाचः, इसका अर्थ होता है जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे यह बहुत ज़्यादा चर्चा का ये डिमांड नहीं है यहाँ पे इस वाक्य पे, क्योंकि यह समझ में आ रही है सामान्य रूप से कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे हमने ये संस्कृत के विचारक हैं, संस्कृत के महर्षि पतंजलि आपके, तो उनके एक हमने कोट को यहाँ रख दिया। उसके अलावा हम आगे देखते हैं कि कामता प्रसाद गुरु जिन्हें हिंदी की पाणिनि भी कहा जाता है, तो इनका भी देख लेते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को आप स्पष्टतया समझ सकते हैं, वह भाषा होती है। ये इनकी परिभाषा इनके अनुसार है। उसके अलावा सामान्यतया देखने में आता है कि जब आप किसी पाश्चात्य विचारक का जब तक तर्क न प्रस्तुत करें लगता है कि हमारी वाणी अधूरी रह जाती है। यह एक प्रश्न का विषय भी है, लेकिन यहाँ हम जानबूझ के एक पाश्चात्य विचारक को भी रख दिए हैं। क्रोंचे हैं कि इन्होंने जो है हिंदी साहित्य पर भी इन्होंने काफ़ी वर्क किया है, और जब आप हिंदी साहित्य बतौर विषय पढ़ते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते परास्नातक कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप पाश्चात्य साहित्य के बारे में जो पढ़ेंगे वहाँ भी इनकी चर्चा आती है। तो भाषा पे इन्होंने जो बात बोला है उसमें क्या देखते हैं, भाषा उस स्पष्ट सीमित और सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। भाषा से संबंधित हमने दो तीन विचार यहाँ पे रखे विभिन्न विद्वानों का, जो इस प्रकार से निश्चित करते हैं कि भाषा आखिर होती क्या है। उसके बाद देखते हैं कि भाषा जो होती है हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अब लिपि क्या है यहाँ देखते हैं, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। अब देखिए ध्वनि क्या होती है, यहाँ हम देखेंगे कि जो किसी भाषा की जो न्यूनतम सबसे प्राथमिक इकाई होती है, पहली इकाई होती है, वह ध्वनि होती है। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत गहराई में आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ देख लेते हैं कभी कभी किसी परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने कुछ लिपियों को यहाँ भी लिख दिया है। यहाँ क्या देखते हैं कि देवनागरी लिपि में क्या है, हिंदी लिखी जाती है आपकी, उर्दू लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है और नेपाली लिखी जाती है। उर्दू के ब्रैकेट में देखोगे आप यहाँ कोष्ठक में क्या दिया है, नस्तालिक लिपि में। तो आप अगर हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ नस्तालिक लिपि का चर्चा की गई है, वहाँ आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यहाँ इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह भाषा का वो है और भाषा में इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। आगे हम क्या देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास प्राचीन भारत की ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। आप देखोगे कि प्राचीन भाषा में जब आप छठी शताब्दी के आसपास का इतिहास पढ़ते हो तो आप क्या देखते हो कि उस समय खरोष्ठी और ब्राह्मी ये दो लिपियां बहुत प्रचलित थी उस समय की। तो ये जो खरोष्ठी और ब्राह्मी थी इनमें से ब्राह्मी लिपि जो थी, खरोष्ठी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन ब्राह्मी लिपि पे काम हुआ और वह आगे बढ़ती चली गई। फिर हम आगे क्या देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि जो थी यह भी मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त होती है, एक दक्षिणी शैली और दूसरी उत्तरी शैली। जब दक्षिणी शैली की हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि इससे आपका तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और विभिन्न प्रकार की जो साउथ इंडियन भाषाएं हैं, जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, इनका विकास दक्षिणी शैली से हुआ है नागरी के। उसके बाद देखते हैं उत्तरी शैली की, जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या देखने में आता है कि उत्तरी शैली के दो भाग हो जाते हैं। नवीं सदी में एक देवनागरी लिपि का विकास होता है, तो 10वीं सदी के आसपास एक शारदा लिपि का भी विकास देखने को मिलता है, लेकिन हमारे अध्ययन का जो मुख्य केंद्र होगा वह केवल देवनागरी लिपि होगा। तो देवनागरी लिपि के बारे में, उसके नामकरण के बारे में हम कुछ देख लेते हैं, तो क्या पाते हैं कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, इसमें नाग लिपि का वर्णन मिलता है। तो इसी नाग लिपि से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला देखते हैं नगरों में प्रचलित होने के कारण,
कहा जाता है जो छठी शताब्दी के आसपास या उससे बाद बढ़ते हुए कालक्रम में नगरों में जो भाषा बोली जाती थी, जो प्रचलित थी, उसी के कारण इसका नाम देवनागरी ही रखा गया। उसके अलावा एक और मत देखने में क्या मिलता है कि पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था, और उस समय के बड़े प्रतापी राजा ये थे, इसलिए इन्हीं दोनों शब्दों को जोड़कर देवनागर लिपि का विकास माना जाता है, उसके नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। एक और आता है विचार, इसमें कहते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम देवनागरी रखा गया। उसके अलावा आपके हिंदी के महान कवि एक डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा जी हैं, इन्होंने क्या कहा कि मध्य युग के स्थापत्य शैली का जो विकास हुआ का नाम उसी का जो है नाम से यहाँ इसे नागर नाम मिला। तो इसमें क्या कहेंगे कि देखिए हुआ क्या कि जैसे नागर और जो है बेसर, ये मध्यकाल में एक नागर शैली का विकास देखने को मिला था, ये स्थापत्य की एक शैली होती थी, तो इसलिए भी इसी के नाम पे इसका नादेव नागरी नाम पड़ गया। हालांकि हमसे आपसे परीक्षा में कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद कम होती है, लेकिन चूंकि आप अपने हिंदी भाषा के विषय में जानना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताना आवश्यक हो जाता है कि आपको जानकारी तो होना ही होना चाहिए। आगे देखते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो क्या देखते हैं, यह एक आक्षरिक है, दूसरा एक वर्ण के लिए एक ध्वनि का इस्तेमाल। जैसे आप अंग्रेजी में क्या देखते हो कि कहीं पे आपको सी वर्ड स का बोध कराता है तो कहीं क का बोध कराता है, कहीं कुछ वर्ड साइलेंट हो जाते हैं तो कहीं कुछ पहले उच्चारण कुछ और होता है, बीच में उच्चारण कुछ और होता है। तो इस प्रकार का जो विभेद देखने को मिलता है वह आपके हिंदी में देखने को या देवनागरी में देखने को नहीं मिलता। यह पूर्णतः वैज्ञानिक वर्णक्रम इसका है, वर्णमाला इसकी पूर्णतः वैज्ञानिक है। अब क्या देखते हैं कि कोई भी भाषा होती है वह अपने विकास क्रम में तमाम प्रकार की अशुद्धियों को भी ग्रहण कर लेती है, या उसके विकास क्रम में तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ उसमें स्वतः ही समाहित हो जाती हैं। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ 1904 के लगभग देवनागर लिपि के सुधार का प्रयास प्रारंभ किया गया, और 1904 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा तिलक फांट का विकास किया गया। इन्होंने लगभग 2000 फांट में से 196 के लगभग फांट को छाटा तैयार किया कि ये फांट शुद्ध हैं और भाषा के लिए बहुत उपयोगी हैं, और उन्होंने अपने पत्र केसरी, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी दो पत्र निकालते थे, तो केसरी के लिए इस फांट का उन्होंने इस्तेमाल किया जिसे तिलक फांट कहा गया। उसके बाद सर्वप्रथम सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की। 12 खड़ी आप जानते ही होंगे, सामान्यतः अ आ ई उ ऊ ये होता है, तो इसको 12 खड़ी बोला जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि इसे जब 12 खड़ी इनकी तैयार की गई तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया था, इस 12 खड़ी का जो सावरकर बंधुओं ने तैयार की थी। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि 31 जुलाई 1947 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागर लिपि सुधार समिति का निर्माण किया जाता है। यह समिति जो सुझाव देती है उसके आधार पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अध्यक्षता में लिपि सुधार परिषद का गठन किया जाता है, जो देव नागर लिपि के सुधार में बहुत ही अहम योगदान देता है। तो चलिए आगे अब क्या देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, आखिर इस प्रकार इतनी बड़ी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप पढ़े भी होंगे या सुने भी होंगे और जानते भी होंगे कि हिंदी भाषा के विकास में या संवैधानिक प्रावधानों में बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे, और लगभग कहा जाए तो दक्षिण भारत में तो कुछ राजनेता ही केवल हिंदी के विरोध से पैदा हो गए, और वे बहुत अच्छी राजनीति में सक्रियता उनकी रही, और कुछ तो अनशन में ही
अनशन करते करते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, केवल इसलिए कि हिंदी को बतौर राष्ट्रभाषा स्थापित ना किया जाए। यहाँ मैं एक शब्द बोल देना चाहता हूँ, जहाँ कि इस पर मेंशन भी किया गया है इस बात को, कि हिंदी को राजभाषा के तौर पर संविधान में शामिल किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा के तौर पे। तो दोस्तों, कभी कभी हम होता है कि हम ज़बरदस्ती किसी से इस बात को लेके विवाद बहस में फंस जाते हैं, लेकिन हमें इस बात को लेके बहुत सहिष्णु रहना चाहिए। भारत बहुभाषी देश है और बहुसांस्कृतिक जो है हमारी जो विरासत है उसकी रक्षा करना कहीं ना कहीं सबका धर्म होता है। और इस प्रकार से देखते हैं तो 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को बतौर राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज इसको मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उसके अलावा क्या देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी। और अगला क्या देखते हैं कि 71वें संविधान संशोधन, यहाँ पे थोड़ा टाइप में गलतियाँ हो गई थी दोस्तों, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को भी जोड़ा गया। उसके अलावा क्या देखते हैं कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को भी संविधान में जगह दिया गया, जिससे अब बढ़ के यह 22 भाषाएं हो गई हैं। तो यह था हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या क्या थे, कैसे थे, इसके बारे में हमने देखा। हमारी आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। और क्योंकि यह हमने प्रोटोटाइप वीडियो तैयार किया है एक तरह से ये देखने के लिए क्या परिणाम कैसे आता है, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप सबके लिए यह कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। भाषी क्षेत्र के हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए। इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएँ, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।